और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जिसमें 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा परिणाम आ सकते हैं। टॉप 30 का इस वक्त वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वालों का वेरिफिकेशन भी शामिल है। 17 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस बार 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, और ऐसे में 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आ सकते हैं। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। रजनीश, मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार भी अब कहा जाए तो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। देखिए विभा, जिस तरह से बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट सबसे पहले जारी करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से कोरोना काल है और इस दौरान सबसे पहले मैट्रिक का इम्तिहान भी बिहार बोर्ड ने लिया था, और जिसको लेकर युद्ध स्तर से जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो जारी है। 12 घंटे से 14 घंटे तक लगातार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बोर्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा है, यानी 90% से ऊपर नंबर लाने वाले जो टॉपर्स हैं उनको कॉल गया है, उनका फिजिकली यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम के द्वारा वेरिफिकेशन चल रहा है, और रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट कर ली गई है और जो अंक है उसको सूचीबद्ध किया जा रहा है। यानी भावना जताई जा रही है कि सोमवार को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिन्होंने बिहार बोर्ड में मैट्रिक का इम्तिहान दिया था उनके लिए एक बड़ी बात है कि समय से पहले रिजल्ट जारी होगा। विभा, बिल्कुल रजनीश, इस पूरे वेरिफिकेशन को हम इस तरीके से भी देखें कि यहाँ पर यह भी कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट सबसे पहले आए, और जिनके भी रिजल्ट आए उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इसे वक्त रहते से वेरीफाई कर लिया जाए। बिल्कुल, देखिए फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया गया है। 2016 में टॉपर्स घोटाला होने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा से लेकर जो रिजल्ट की प्रक्रिया है और प्रणाली है उसमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। यानी बार कोडेड कॉपी और जो उत्तर पुस्तिका है उसके बाद जो धांधली है उसमें कहीं ना कहीं काफी कमी आई है, और निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया को खुद आनंद किशोर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन है वो लगातार देख रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब तक इंटर की परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं आई, रिजल्ट में गड़बड़ी बड़ी सामने नहीं आई है। ऐसे में दावा यह भी हो रहा है कि मैट्रिक का जो रिजल्ट होगा वो भी काफी फुल प्रूफ सिस्टम से जारी होगा, तो ऐसे में जो परीक्षार्थी है उनका इंतजार महज 48 घंटे में खत्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मैट्रिक के परीक्षार्थी जिस तारीख का इंतजार कर रहे थे, सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 आप तक ये जानकारी पहुंचाता हुआ 5 अप्रैल यानी कि सोमवार का दिन जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और उस पूरे रिजल्ट को लेकर अभी वेरिफिकेशन इस वक्त टॉप 30 स्टूडेंट्स का चलता हुआ जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।